कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे। और इस सदन में आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि की तरफ से भी यह विषय लाया गया है, यह दर्शाता है कि यह विषय कितना व्यापक और कितनी संवेदना की दरकार रखता है। सभापति महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां पर लोग अपने जीवन की और राष्ट्र की सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इल्लीगल सेंटर्स खुले हुए हैं, तो इन इल्लीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एनसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं। और इतना बड़ा इल्लीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला, तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जो आपके माध्यम से मैं यहाँ पे पेश करूं। पानी भर जाता है लापरवाही के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। मैं कल वहां गई, मुझे बड़ी पीड़ा इस बात की अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर इन परिवारों से नहीं। देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थी उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़ती थी, पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बहा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। निर्लज्जता विल नॉट गो अनरिकॉर्ड। ओके, मैं आपकी बात पर शब्द वापस लेता हूं। मैं कहूंगा पूरी तरीके से लापरवाही के साथ और अनुचित भावना के साथ अपना विचार या यूं कहूं भ्रम फैलाते हुए नजर आए। अब यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पर संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोलबाग का निवासी है, राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 26 जून का है। ये एप्लीकेशन कहां दी गई? ये एप्लीकेशन एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। डेफिनेटली हम ये पुट कर देंगे, आप फ्लोर पे रखता हूं। और उसमें रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद, फिर वो रिमाइंडर देता है, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी घटना जी। अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं। इसी बीच में, ये 26 जून से लेके 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है, वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझ कर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से दिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है सभापति महोदय कि दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी, पानी से जान आसान है। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं महोदय, अभी हम लोग जुलाई के महीने में, 6 महीने बाद जाड़े का दौर शुरू होगा, सांस लेने की भी तकलीफ होगी। यानी पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो,
या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं और समय के अनुसार ये अपना स्टैंड समय समय पर चेंज करते रहे। यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए उन बच्चों के साथ यह स्थिति हुई, आप अस्पताल ले जाना चाहें, तो मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया में रिपोर्ट अवेलेबल है कि हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि बहुत कम जी माननीय सदस्य, यह गंभीर विषय है और सदन में दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप विषय पर ही बोले और दूसरा मीडिया रिपोर्ट को आधार नहीं बनाए। आप वो सर हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। नहीं, जजमेंट की कॉपी आपके पास, उसकी प्रति भी रखनी पड़ेगी जी, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ जाए उसको आधार मत बनाइए। हाई कोर्ट ने इस बारे में बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है, जितनी हाई कोर्ट ने इस विषय को लेकर बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है कि जितनी प्रकार की आबादी है उसकी तुलना में अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीनें बहुत कम है, यह वेल नोन फैक्ट है पब्लिक डोमेन। और इतना ही नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोट करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 32 अस्पतालों में से 68 ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहा है। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, अर्थात यह मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, लोगों की जान के प्रति लापरवाही का विषय कि सीमा तक है और उस सीमा पर चलते हुए ये स्थितियां इस प्रकार की आती हैं कि नोटिसेस छात्रों के द्वारा हैं, आगाह जनता के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उसके बावजूद हमारी दिल्ली की सरकार इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एमसीडी को, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा, सफाई नहीं की गई, सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई जिसकी वजह से सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया, इसमें 2-3 पक्ष है। पहला, बेसमेंट पे काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी? दूसरा, यदि वो परमिशन दी गई क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ? तीसरा, कि यदि उसके ऊपर कोई शिकायत की गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं? और चौथा, आसपास के सीवरों की जो स्लिट स्लज थी उसकी सफाई की गई या नहीं, इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवश्यकता रखता है, क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन 3 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जब से वो सरकार में आए हैं, वेल नोन फैक्ट है कि जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी एक तरफ आपके संस्थान निरंतर घाटे में जाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते चले जा रहे हैं, तीसरी तरफ शिकायतें आती चली जा रही हैं और इसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि सदन इस विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करे। हम यह भी आपके संज्ञान में रखना चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए भी सरकार किन चीजों पर कार्रवाई कर रही है। हम यह बात पूछना चाहते हैं कि इस विषय के विभागीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, विभागीय मंत्री हो या सरकार की तरफ से हो, क्या उन्होंने किसी प्रकार का तथ्यात्मक आंकड़ा सरकार के द्वारा जनता के सामने रखा है? नहीं रखा है। उन्होंने आकर सिर्फ बयानबाजी की है, यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य वास्तविकता, क्योंकि वास्तविकता तो वो मेरे विचार से सभापति महोदय सामने रखने की स्थिति में ही नहीं है। और उन्होंने इस विषय पे कितना मद में व्यय किया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सीवर की सफाइयों को लेकर उन्होंने कितना व्यय किया, जबकि यह बात लोगों की जानकारी में उपलब्ध है कि दूसरी चीजों पर बहुत व्यय किया है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13-14 करोड़ रुपए व्यय होता था, अब 568 करोड़ रुपए व्यय। मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जांच के ऊपर, सीवर के ऊपर कितना उन्होंने व्यय किया है 2021 में? नहीं सर, उसी में बात कह रहा हूं, हम बिल्कुल जानना चाहते हैं सरकार को, देश की जनता को जानने का हक है कि यदि 50 गुना अधिक खर्चा हुआ है प्रचार में तो कितना गुना खर्चा हुआ है सीवर की सफाई में, कितना गुना खर्चा हुआ है इन चीजों के समस्या के निदान। मैं सदस्यों से कहूंगा ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस पर जब विज्ञापन की बात आई तो आप और हम सब रोज देखते हैं अखबार का पहला पेज कोचिंग, सेकंड पेज कोचिंग, थर्ड पेज कोचिंग, इतना भारी खर्चा कहां से आता है? उस छात्र से आता है जो अपने सपने को साकार करना चाहता है। नंबर दो, मैं सदस्यों को से आग्रह करूंगा, इसमें सुझाव दीजिए, सीमित दायरा है कोचिंग का, जहां आवश्यकता इस भारत को स्किल की है, स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है, कोचिंग एक सीमित दायरे में सभी को उसमें डाल रहे हैं, यह एक ऐसा साइलो हो गया है जो गैस चैंबर से कम नहीं है। तो आज के दिन सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आगे के मार्गदर्शन की बात करनी चाहिए। यह घटना दुखद है, पर इस घटना जिन जो लोग टीम गए हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी यदि अगर इस सदन में हम सुझाव देंगे कि हमारे देश के नवयुवकों को कितने मौके हैं, किन किन जगह मौके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं इसरो गया
महाश्रीचकित रह गया। वहां कोई आईआईटी का नहीं था, कोई आईएम का नहीं था, सब गांव के थे, गांव के स्कूल के पढ़े हुए थे। यदि अगर हम डी साइलो नहीं करेंगे समस्या होगी। तो सुधांशु जी, मेक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑल्सो। सर मैंने यह विषय के संदर्भ में ही कहा है क्योंकि समस्या जल निकासी के कारण हुई। जल निकासी के लिए जो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और जल बोर्ड जिम्मेदार है, यदि वो हजारों करोड़ के घाटे में जा रहा है तो सरकार निरंतर उस चीज पे ध्यान न देकर, जहां जल निकासी की बड़ी समस्या है, यदि प्रचार पे ध्यान दे रही है तो यह विषय सदन के माध्यम से जनता के ध्यान में हम अवश्य लाना चाहेंगे। इसलिए मैंने 50 गुना अधिक खर्च किया गया और दूसरी तरफ वो कर्जे में दबता चला गया, उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया जल बोर्ड के लिए। इसलिए मैंने यह तथ्य आपके संज्ञान में रखा। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता था, परंतु हमारे माननीय सदस्य ने कहा तो मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बनकर तैयार हो गया मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पर आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है, तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह बात इसलिए आवश्यक है कि यह मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, यह मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलियर हो गई है, यह मामला एक जहनी सोच का है जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। मैं वैसे तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो, इन्होंने कई और मदों में कई कई गुने खर्चा बढ़ाया है। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अभी 70 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में है, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी। उल्टा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं के साथ, इधर दिल्ली के साथ जो मैंने कहा 26 जून से लेकर कई शिकायतों से लेकर आज तक ये हो रहा था, परंतु जवाब में कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए जा रहे थे, सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थीं कि उनका वजन हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, परंतु मैं कहना चाहता हूं यहां वजन हल्का होने का विषय नहीं है, यहां किरदार हल्का होने का विषय है। और जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी ने दिखाया है वो निश्चित रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे संजय बिल्कुल होने उस पर चर्चा हो रही है। देखिए इसमें कौन सी बात है महोदय, अगर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय, सुधांशु जी मेरे विषय मेरे संजय नथिंग इज गोइंग ऑन रिपोर्ट संजय नथिंग इज गोइंग ऑन रिपोर्ट बैठिए 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 प्लीज लेट अस प्लीज प्लीज संजय टेक योर सीट आपके माध्यम से और भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि हमारे सम्मानित सदस्य को आपत्ति है, सरकार के मंत्री आते हैं सरकार के विषय में बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं पिछले इतने महीनों में आगे सरकार के मंत्रियों ने कितनी बार सरकार के विषय में बोला है, सरकार की कार्रवाई में बोला है और यही विषय बोला है ना जिनको लेकर इनको आपत्ति है। मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके मंत्री सरकारी मंत्री आके जिनका काम सरकार के कार्यों के बारे में टिप्पणी देना है वो आकर वजन हल्का होने की बात करते थे। यदि यह बात मैंने आज याद दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पर ध्यान दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती, तो उनको इस बात पर आपत्ति हो रही है। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं दुखी मन से मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि छंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जो जिस आधार पर आपको लाया गया था उसको दूर करने काम किया। अब मैं इन्होंने कहा सुझाव तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने, जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। दूसरा सुझाव यह है कि कोचिंगों के ऊपर आप सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में एक सूची लीजिए और उस सूची को लेकर यह सुनिश्चित करिए कि उन्होंने जो जो चीजें की हैं वो अपने मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया हमारे माननीय सदस्य सदन के पटल के ऊपर क्या इस विषय पर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रख सकते हैं कि अब तक, यानी इस घटना होने से पहले तक, क्या उनकी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई बगैर जांच के अथवा जांच के करके दिखाई है क्या।
या इस घटना के संज्ञान लेकर कृपया सख्ती के साथ पहले यह तय करें कि कितने कोचिंग संस्थान हैं, वो वास्तविकता में जितने उनको परमिसिबल लिमिट है उसमें वो छात्रों की संख्या रखे हुए कि नहीं, और यदि उन्होंने उनको कहीं रेजिडेंस दे रखा है तो वो रेजिडेंस मानकों के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि आज तो महोदय ये तो पानी की घटना हुई, कल के दिन फायर हजार्ड भी हो सकता था। तो ये बात हम इनसे बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे कि इन बातों के विषय में गंभीरता लें। और अंत में इन्होंने कहा सुझाव, तो एक और सुझाव भी देना चाहूंगा कि इनसे विनम्र निवेदन है कि सरकार चलाइए, सरकार के मंत्री आकर सरकार के कार्यों के बारे में विचार दें, आकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप न करें, क्योंकि अभी तक का इनका स्टाइल यह रहा है कि किसी भी घटना के ऊपर वास्तविक अर्थों में सरकार की तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब देने की बजाय सियासी बयानबाजी होती है। तो मैं अंत में सिर्फ यह कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं, यह घटना बहुत हृदय विदारक है और इस घटना के बारे में जैसी संवेदनशीलता की अपेक्षा दिल्ली सरकार से थी वो नहीं हुई है, इसलिए इस पे एक गंभीर जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं